बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ एक तरफ इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान है जो कलिमा के नाम पर बना है, लाहौर में यहाँ इस तरह का कंसर्ट किया गया। नाचने गाने वाले कंजर मिरासी इसके पीछे चलने लगे, जो एक बेहया यहाँ पर म्यूज़िक के नशे में सबको धुत कर रहा था। हमारा मुल्क कलमे के नाम पर बना था, और दूसरी तरफ कतर को देख लीजिए, जो एक अरब मुल्क है, कलमे के नाम पर तो नहीं बना मगर कुफ्र के आगे खड़ा हो गया कि हमने अगर फुटबॉल वर्ल्ड कप करवाना है तो हम अपना मजहब बदल नहीं सकते, हम दीन इस्लाम पर चलते हुए तमाम चीज़ें करेंगे और हम पाबंदियां आयद करेंगे गैर मुस्लिमों पर भी। हम मुसलमान होकर ऐसे बन चुके हैं कि हमसे यहूद भी शर्माते होंगे, क्योंकि हम इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान के बासी हैं। लेकिन सलाम है वहाँ के लोगों को जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा के दिल जीते और कुफ्र को एक मरतबा दहला कर रख दिया। देख लीजिए हमारे इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान के नौजवान यहाँ पर किस तरह एक कंजर के पीछे पागल हैं, एक मिरासी के पीछे पागल हैं, जो म्यूज़िक के नशे में धुत है। किसी एक को भी यहाँ गैरत ना आई, किसी एक को भी यहाँ हया ना आई, क्या करना है क्या नहीं करना, किसी एक को भी अच्छाई और बुराई में फ़र्क मालूम ना हो सका। अल्लाह ने किसी एक को भी गैरत और हया ना दी, किसी एक को भी तौफीक ना बख्शी। हमारी सलाहियतें बुराइयों में क्यों ख़त्म हो रही हैं, अच्छाइयों की तरफ हम क्यों नहीं जा रहे? हम फिर कहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के हुक्मरान बुरे हैं, ये हमारे ही करतूतों का नतीजा है। आज हम में हर वो बुराई मौजूद है जिसकी वजह से कई कौमों को अल्लाह ने अजाब में मुबतला किया था। तो फिर जैसे हमारे करतूत हैं, हमें इंतज़ार करना चाहिए कि अजाब आए, हमें तबाह बर्बाद कर डाले। राय दीजिएगा वीडियो के हवाले से, थम्स अप करना ना भूलिए, हमें सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्रेस दी बेल आइकन, सेलेक्ट दी नोटिफिकेशन सेट ऑल।